हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज देखने की कोशिश करते हैं कि करंट एनर्जी ऑफ योर लाइफ, लव लाइफ, और भी अगर मुझे मैसेज मिलेंगे कैरियर से रिलेटेड तो वो भी कुछ चीज़ें मैं ये देखना चाहूँगी। पहले जैसा कि क्या आप लोग कोई डिवाइन कनेक्शन में हैं, ये देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और अगर डिवाइन, अगर जैसे आपको रिपीटेड नंबर, क्योंकि कई कईयों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बताएं, तो वो भी मैं कोशिश करूंगी बीच में बताने की। तो आप रीडिंग में बने रहें, देखें क्या आता है। अगर थोड़ा साउंड आ रहा हो तो मोटर चल रही है, क्योंकि पानी नहीं है तो उसके लिए सॉरी। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करेंटली करंट में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे बताइए। दो कार्ड आ गए हैं, तीन कार्ड आ गए हैं, बस चार ही मिले। इससे ये कीवर्ड्स मिल जाते हैं। देखिए आप लोगों की लाइफ में 6 और 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 36, 3, 2, 4 ये आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है? ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपसे रिलेटेड कोई नंबर जिस तरह से आपसे रेजोनेट करे आप उस हिसाब से लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड आया, पहला कार्ड आया है डिस्टेंट होरिजन, दूसरा है मैरिज, मेन फीमेल, कोर्टशिप। तो देखिए यहाँ मैं ये सोच रही देख रही हूँ कि कुछ जो है, जो मुझे एकदम से मैसेज मिला है कि हस्बैंड वाइफ हैं जो या तो तलाक के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या फिर तलाक उनका होने वाला है, या फिर जैसे एक अंदर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे इस इंसान से अलग होना है, ठीक है जी। कुछ लोगों की मैं यहाँ मैरिज होती देख रही हूँ, जैसे या तो मैरिज का प्लान उन्होंने बना लिया या उनकी मैरिज जो है फिक्स हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फीमेल है, मेन फीमेल का मतलब क्या होता है कि चाहे आपकी शादी किसी से भी डिसाइड हो गई है या नहीं हुई है, लेकिन आप आपके दिमाग में जो एक इंसान है, दिलो दिमाग में, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है जी। हो सकता है ये इंसान आपसे दूरी पे रहता हो, किसी दूसरे देश में, दूसरी सिटी में, या फिर अगर पास भी रहता है तो दूरियां आई हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रेजेंट जो 3D लाइफ है उसमें कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपकी जो एक आपकी जो एक सेंस है, जो आपके अंदर जो है एक खालीपन, एक किसी का कोई विछोड़ा, नो कॉन्टेक्ट, या फिर उसका जिंदगी में ना होते हुए भी उसकी प्रेजेंस को महसूस करना, जो आपको काफी अंदर ही अंदर एक डिप्लीट सा महसूस कर रहा है जो आपकी लाइफ में चल रहा है। तो आप मतलब करंटली जो करंट सिचुएशन है, आप किसी चेंज का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये चीजें चेंज हो। देखो 9 नंबर होता है, 9 नंबर भगवान के नंबर को मानते हैं। आप 9 नंबर के लिए सर्च करके देखना कभी उस पे यूट्यूब पे कि 9 नंबर की क्या महत्व, 9 नंबर को भगवान का नंबर मानते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर दो बार ही आया, 36 को भी अगर प्लस करें उनका सम भी, कहते हैं 36 का सम भी जो है 9 ही होता है। तो या तो कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अब आ गया ना वही वर्ड के स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या कईयों की हो चुकी है। अब आप देखिए, जैसे आप कहते हो कि आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, तो ये भी एक साइन है, रिपीटेड नंबर भी एक साइन है। किस चीज़ का? रिपीटेड नंबर भी एक साइन है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। मतलब आपको जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को किस लिए भगवान दुनिया में भेजता है, एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आध्यात्मिक क्या होता है कि खुद को जानना, सेल्फ को, अपनी आत्मा को जानना कि हम दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं, या फिर कुछ लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं, तो तभी हम इन कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन। हम लोगों का मसला पता क्या है, हम लोग जो 3D और 5D को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें 5D में महसूस होती हैं, लेकिन 3D में वो चीज़ सामने नहीं दिख रही होती, ना वो पॉसिबल होती हैं। हम वो जो चीज़ें हैं ना, जो हमें मतलब हमारी सेल्फ को अपलिफ्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन वो होते हैं जो हमारी सेल्फ को अपलिफ्ट ऊपर करने के लिए, मतलब आप कहते हैं ना सारी दुनिया से हट के आप खुद से मिले,
तो इसीलिए हमें ये करेक्शन मिलते हैं, क्योंकि आप इसमें देखते हो कि एक मस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। अगर एक गिविंग है तो एक दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब या उसको लेट गो कर रहा है, या कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, या भाग रहा है, एक चेज कर रहा है, एक भाग रहा है। तो अब भगवान आपको एक्चुअल में डिवाइन ये जो बताना चाहती है कि आप खुद से मिलें, और जब आप खुद से मिलेंगे तब जो वो फीलिंग होगी ना, वो शायद आपको पूरे, जैसे कहते हैं ना हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है समाया हुआ है, तो वो जब आप उस सेल्फ से मिलेंगे ना तो वही आपकी अवेकनिंग होती है। ठीक है जी, चाहे आप वो किसी गुरु के थ्रू मिले, चाहे वो किसी गॉड को मान के, अल्लाह को मान के, जीसस को मान के, वाहेगुरु जी को मान के, मतलब आप अपनी सेल्फ को अपलिफ्ट करें, अपना महत्व सोचें, मतलब दुनिया में रहें, दुनियावी चीज़ों को करें, इंजॉय लें उनका, उनसे सीखें, लेकिन उनके बीच में अटैचमेंट जो है ख़त्म कर दें, डिटैच हो जाएं। तो ये होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब आप कई लोग कहते हैं हमें रिपीटेड नंबर, देखो रिपीटेड नंबर आपको ये भी कहते हैं कि एंजल आपको कहते हैं कि आपको किसी और सोल मिशन के लिए पैदा किया गया है, आप अपने आप को बड़ा छोटा करें, आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, तो वो बार बार रिपीटेड नंबर आके आपको ये दिखाते हैं कि भगवान आपके साथ है, आप बड़े से बड़ा कुछ कर सकते हैं, आप किसी को सुधार सकते हैं, आप किसी को मोल्ड कर सकते हैं। आप सबसे पहले खुद को जब सही कर लोगे तभी आप किसी को सही कर सकते हो। हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में ना खुद तो सुधरे नहीं होते, दूसरों को सुधारने चल पड़ते हैं, उसमें कमियां निकालने शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपको रिपीटेड नंबर ये अवेकनिंग के लिए मिलते हैं, ये आपकी लाइफ में, जैसे किसी को बटरफ्लाई दिख रही है तो हो सकता है उनका अपने पर्सन के साथ उनका मेल हो जाए, मिले उनको। ठीक है जी, तो इस टाइप से मुझे जो है मैसेज मिल रहे हैं। तो आपकी लाइफ में या तो आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि चीज़ें सही कुछ भी नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो हो रहा है आपकी अवेकनिंग के लिए। आप किसी एक इंसान को अपनी खुशियों का ठेकेदार समझ बैठे हैं कि भैया ये अगर हमें मिलेगा या ये हमें नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। किसी से कुछ, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ खुद करना पड़ता है अपने लिए, अपनी सेल्फ के लिए। ठीक है जी, अब मेरा एकदम से दिमाग आया कि मैं इसमें रूम्स में देखूँ क्या है, ये कुछ मिल जाए मुझे, रूल्स नहीं इनको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं छोड़ो। देखो यहाँ पे दिल बना हुआ है, आया है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की सुने, आप दिल की कर लें, मतलब जो आपके दिल में है उसको कर लें। ठीक है, तो ये रिपीटेड नंबर आपको इसलिए नजर आ रहे हैं कि या तो आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, या आपकी अवेकनिंग हो गई है। अवेकनिंग या नहीं हुई है तो भगवान ये कह रहा है कि जिस चीज़ को आप पीछा करना जब छोड़ देंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल, आपके फेवर में। मतलब कहने का मतलब डिवाइन जो यूनिवर्स है वो आपके साथ है। रिपीटेड नंबर आपको ये बताते हैं कि आपका कोई सोल मिशन है, आपको वो पूरा करना है, आपको किसी एक चीज़ में बंध के या उसमें ही अपने आप को ख़त्म नहीं करना है। और सुनिए, एक मिनट प्लीज़, बीच में टोक रही हूँ, आप कहोगे मैडम मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ मुड़ जाती। देखो एक तो ना मुझे ये मत कहा करो कि रीडिंग आप क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो रोज। भैया जितना हो सकता है मैं उतना कर सकती हूँ, मैं मेरी जब तक इंट्यूशन, मुझे भी पता है मैं ज़्यादा रीडिंग बनाऊंगी, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मेरे ज़्यादा पैसे बनेंगे, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में, कुछ चीज़ें क्या, सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। मेरी इंट्यूशन जब तक गाइड नहीं करती, मैं आपके सामने नहीं आ सकती, और ना ही मेरा मन करता है कि मैं रीडिंग बनाऊँ। आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वान्टिटी। ठीक है ना, क्वान्टिटी आप चार में बना दूँ रीडिंग, लेकिन उसमें मेरी इंट्यूशन ही नहीं, मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ कि यार मेरे व्यूज़ आ जाएंगे या लोग खुश हो जाएंगे। मुझे किसी को खुश नहीं करना है। आप मेरी दो दिन बाद रीडिंग आए, एक रीडिंग बाद आए, आप उसका इंतज़ार करें। अगर आपको अच्छा है, आपको बिलीव लगता है, आपको अच्छा लगता है कि मैडम कुछ अच्छा करती हैं या कुछ अच्छा बोलती हैं, अच्छा सुनाती हैं, अच्छा जो है हमें बताती हैं, ठीक है, हमें अच्छे कार्ड जो है हमारे बारे में बताती हैं, आपको लगता है तो आप एक दिन दो दिन वेट करें, कोई बात नहीं। ठीक है ना, क्योंकि रोज़ रोज़ अगर आप टैरो रीडिंग की भी उस किसी भी चीज़ की देखो ना आप क्यों अवेकनिंग भगवान आपको कर रहा है कि आप किसी भी चीज़ के मोहताज अपने आप को नहीं बनाएं। आपको मेरी रीडिंग चाहिए, आप देखो ये टाइमलेस होती है। आप मेरी रीडिंग को किसी पुरानी को भी देख लोगे ना भगवान के आगे प्रेयर करके, एंजल के आगे, कि मुझे इसमें मेरे लिए मैसेज हो, जो आज की परिस्थिति, आपको उसी में ही मैसेज मिल जाएगा। मेन है बिलीव, कहते हैं ना जब हमारा विश्वास है तो मंदिर मस्जिद की चौखट भी हमारे काम पूरे कर देती है।
अगर नहीं विश्वास तो कुछ बड़े बड़ा कोई पीर पैगंबर भी आपके सामने खड़ा हो जाए ना, अगर हमारा बिलीव नहीं है तो हम कहेंगे अरे आम आदमी है, मेरे वर्गा ही है, देवी दो हाथ है पैर है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी, क्योंकि कई बार अपनी तबीयत नहीं ठीक, चलो मैं कहती हूँ अब तो तबीयत भी ठीक है थोड़े दिन से, मैं कमा नहीं ठीक ठीक है, लेकिन कई बार बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा भैया कार्ड की तरफ देखने का, तो मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, भगवान करे आप बहुत हैप्पी रहें, बहुत उन्नति करें, मेरी ये ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग्स मांगती रहती हूँ। जिस दिन नहीं भी बना पाती ना रीडिंग, उस दिन भी यही सोचती रहती हूँ कि हाय मेरे व्यूअर्स का ही वेट कर रहे हो भगवान उनको किसी ना किसी तरह से, क्योंकि मैं आज नहीं बना पा रही, ठीक है। सेटिस्फाई करो, सेटिस्फैक्शन दो, खुश रखो, प्रेयर कर देती हूँ। चलिए अब हम और देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ जो है क्या नया मोड लेने वाली है, मतलब ये रिपीटेड नंबर या स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा हम इतनी बातें कर रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे। देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की, हेरोफ्रंट का कार्ड, हेरोफ्रंट का कार्ड यही बताता है कि जो हेरोफ्रंट का कार्ड अपने आप में एक, जैसे कहते नहीं है कि एक इंसान अपने आप उसने एक एक जैसे कहते नहीं मतलब खाली वो अपने दिल की दिमाग की नहीं सुन रहा, वो अपने आप को एक स्पिरिचुअली मतलब हर चीज़ का मायना समझ गया है, हर चीज़ का उसका दुनिया में आना समझ गया है, उसका चीज़ों के पीछे भागना समझ गया है, और एक डिटैचमेंट, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब डिटैचमेंट। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो मेरी बेटी है, मैं कहूँ मेरी बेटी है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, वो हो गई अटैचमेंट। जब मैं कहूँगी भगवान जी ये आपकी बेटी है, इसको देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो वो हो गई डिटैचमेंट। तो चीज़ों में भगवान आपको रिपीटेड नंबर, ये कि आप खुद को समझें, आप चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, घट रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग आपको बैक स्टैब कर रहे हैं या लोग आपके साथ ठगी कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई अपने आप को छुपा रहा है, आपसे दूर कर रहा है, तो उसको कहे भैया जा, वो तेरा दरवाज़ा है, उसको कह जा, अगर तू मेरा है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तू सारी दुनिया घूम के भी ना आखिर मेरे पास ही आएगा। अब आप इसको उल्टी तरफ मत ले जाइएगा कि पूरी दुनिया घूम के, कहने का मतलब दूसरों के पास जाके, ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि कहीं भी जा, आपकी अंदर उसके अंदर प्यार होना चाहिए, और जिस जिसके लिए हम प्यार करते हैं ना, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए सिर्फ प्रेयर करिए, उसकी खुशी के लिए प्रेयर करिए कि भगवान तू जहाँ भी रहे, जिससे मैंने कभी ना कभी किसी से प्यार किया था, जिससे भी किया था वो खुश रहे, आप ये चीज़ अपने मन में, तब उसकी तरफ पॉजिटिविटी जाती है, तब वो इंसान आपको मिस करता है एक एक बेटर वे में। आप याद तो करते हैं, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली 24 घंटे दिमाग में ला के, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी दे रहे हैं कि मेरे पास तू नहीं है, या मेरे पास तू नहीं है, मतलब कोई भी फीमेल मेल जो भी, जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग लेना, तो आपको एनर्जी देनी है कि भैया तू तो है ही मेरा, मेरे ही पास है। तो ये कब आएगी, जब आप जो है स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, यहाँ बात स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है, और आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर नहीं हुई है तो भगवान जो है आपको ये इस तरह के थपेड़े, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, ठीक है ना, चाहे वो कहीं किसी से भी मिले, चाहे वो दुनिया से मिलें, चाहे वो अपने प्रेमी से मिलें, चाहे किसी से भी मिलें, तो वो जो धक्के मिल रहे हैं, या फिर वो जो आपको अपने से पीछे धकेल रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा जेस्चर शो कर रहा है कि मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है, जब ठीक है ये है वो है जो भी, तो भगवान क्योंकि आपको खुद से मिलाना चाहता है, आपको अवेकन करना चाहता है, वो चाहता है कि आप दुनिया में आए हैं तो दुनिया के लिए भी कुछ करें, आप अपना नाम बनाएं, आप अपना कुछ करियर से में एस्टैब्लिश हों, खुद पे सेल्फ ध्यान करें, अपने कामों पे ध्यान दें, ना कि निठल्ले होकर किसी एक चीज़ के पीछे मगर लग जाएं, जी वो आए उदा मैसेज नहीं आया, उसकी कॉल नहीं आई, वो की कर रहे होना, उन्होंने रोटी खा दी होनी, नहीं, इस चीज़ से आपको हटाना चाहता है भगवान, इसीलिए आपको ये रिपीटेड नंबर और ये सब कुछ दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे रिपीट जो ये डिवाइन कनेक्शन सोलमेट ट्विन फ्लेम, टैरो रीडर बड़े वहम पाते हैं, तुम किसी के वहम के चक्कर, एक्चुअल में देखो एक, अब वो कहते ना वो आपका कार्मिक है, मैं इस चीज़ की भी बड़ी अगेंस्ट हूँ, का एक एक चीज़ बताओ, कार्मिक तो हर कोई है, हम दुनिया में आते ही कर्म भोगने हैं, जब हम एक चीज़ को मानते हैं ना, हमारी मैथोलॉजी कहती है कि दुनिया में हम आते ही जो हमने कोई सिन करे हैं क्रिएट, कोई अच्छे काम करे हैं, तो हम अगर अच्छे करें हैं तो सुख भुगतने आ गए, अगर मान लो पाप करें हैं तो पाप भुगतने आए हैं, तो कार्मिक तो हर कोई है भैया,
कहते हैं ना कि 50% अकाउंट जिसके साथ हमारा होता है वो हमारा पति या पत्नी बनता है, चाहे वो हमें सुख दे चाहे हमें दुख दे। तो ये सारे लोग आपको वहम डालते हैं, वो कार्मिक है, वो फलानी है, वो टंगानी। एक किसी को बीच में बुरा लग गया कि आप पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि देखो दो लोग हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन वो एक दूसरे के प्यार में है। तो जो भी तीसरा उनके बीच में है वो उनको थर्ड पार्टी लगता है। अब पत्नी को लग रही होगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो पति पत्नी है, बीच में जो आ गई है वो थर्ड पार्टी है। अब जो आ गई है उसको लग रहा है कि उसकी पत्नी थर्ड पार्टी है। ये तो आप लोगों ने ये दायरे खड़े किए ना, जैसे भगवान तो एक है, हम उसको कह रहे हैं मेरा मेरा अल्लाह है, वो कह रहा है मेरा मेरा जीसस है, मैं कह रही हूँ मेरा भगवान है। तो समझ गए आप, तो है तो वो एक ही, पिता तो एक ही है, बच्चे कई हो सकते हैं, पिता एक ही होता है, ठीक है ना। तो वो सेम थिंग है कि उसको वो थर्ड पार्टी लग रहा है, उसको वो थर्ड पार्टी लग रहा है। अब मैं साथ में ये भी तो बोला मैंने कि थर्ड पार्टी तो आपका अपना पार्टनर है, जिसका कोई बोल्ड डिसीजन ही नहीं है कि आपको क्या किस तरह से क्या एक्नॉलेज करना है, आपको पत्नी बनाना है, आपको पति बनाना है, या फिर आपको एक तरह से एक अपनी जिंदगी में रखना है। ये आपका पार्टनर है, आप औरों को गुनहगार मत साबित करो ना बनाओ। पहले तो अगर वो अपनी पत्नी के साथ था, वो शादी थी, अगर वो शादीशुदा थी वो लड़की, तो आपके आपके साथ उसका कनेक्शन क्या हुआ। अब आप सोचेंगे, अब मैं इसमें भी कहूँगी, इसमें भी अपने आप को गुनहगार मत समझें, इसमें भी सोचें कि ठीक है वो भी इंसान मुझे अच्छा लगा, मुझे उसके लिए प्रेयर करनी है वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, ताकि आप उसको एक पॉजिटिविटी, ठीक है मेरे से एक दोस्त की तरह या एक इंसान की, इंसान है पहले हम, बाकी रिश्ते बाद में हैं, कि वो आपसे एक अच्छा कनेक्शन रहे। कहते ना कभी किसी ने छोड़ो भी तो इस तरह छोड़ो कि कभी किसी कहते ना महफिल ते या किसी में भी किसी भी जगह पे उस बंदे का आमना सामना आपके साथ होता है, तो कम से कम ना आप शर्मिंदा हो, ना वो आपको गालियाँ निकाले, ना आप उसको गालियाँ निकाले। तो जो रिश्ता कहते ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बिल्कुल आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आप आपका दम घुटने लगा है, तो उसको उससे निकल जाओ। यही अवेकनिंग आपको भगवान कहता है, उससे निकल जाओ, खुद पे ध्यान दो, ठीक है जी। चलिए हैरोफेंट का कार्ड बता दिया आपके आके, यहाँ साथ में हैरोफेंट भी आया है, आपने देखा कि साथ में मैरिज भी आया। अब आप आ जाओ फिर से रीडिंग पे, जरा ध्यान ले आओ। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो मेन मेल या फीमेल है, जो भी है, जो भी मेन पर्सन, आपकी शादी उसी से ही हो, ठीक है, और होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि तभी हैरोफेंट के कार्ड ने मैरिज को दोबारा से आके बिल्कुल वो कर दी कि जो मेन फीमेल या मेल आपके जहन में है उस इंसान से आपकी मैरिज हो सकती है। फिर साथ में कार्ड आ गया कोर्टशिप। हो सकता है कुछ लोग अपनी मैरिज से अलग होना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि वो एक इंसान जो उनकी लाइफ में उससे अलग होना चाहते हैं, उसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक उनके अंदर एक डिस्टेंट आ गया है, डिस्टेंट ओरिजिन आ गया, एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे वो साथ होते हुए भी अलग हैं, कुछ केसेस में ऐसे भी है, ठीक है। और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स की करंटली जो लाइफ है, सॉरी बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुन लें भाई, क्या करें, उन्होंने भी अपना काम करना है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। वाह, हाई प्रिस्टेस, देखिए आपको कहा गया है कि भगवान आपको इसलिए भी रिपीटेड नंबर दिखा रहा है, इसलिए भी आपको जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लेसन दिया जाता है, क्योंकि कहते ना जैसे एक गुरु होता है, जैसे पहले भी आपने कभी गुरुओं की कहानियाँ सुनी होंगी, गुरु होता है वो अपना शिष्य ढूंढता है कि जिसमें वो गुण हो, जिसमें जैसे कह एकलव्य ने अपना अंगूठा एक मिनट नहीं सोचा, उसने अपना अंगूठा दे दिया, गुरु ने कहा कि मुझे अंगूठा चाहिए, उसने ये नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी क्या होगी, एक तीरंदाज से वो कौन उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया, समझ गए। तो एक गुरु जैसे अपने शिष्य को ढूंढते थे ना कि ये शिष्य जो है मेरे उसके गुणों के काबिल है, इसको मैं ये चीज दूंगा, ऐसे ही भगवान भी आपको ढूंढता है, तभी वो आपको अवेकंड करना चाहता है, तभी वो आपके सामने ऐसी अनसुलझी गुत्थियां लेके आता है, चाहे वो रिश्तों के रूप में चाहे इंसानों के रूप में, जिसको आप सुलझें सुलझाएं। आप और उलझते जाते हैं, आप और उसके प्यार में डूबते जाते हैं कि ऑब्सेशन हो जाता है, पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों। आप उस चीज को समझें कि भगवान आपके सामने अगर ये मिस्टीरियस सा पर्सन लेके आया है जो आपको ना तो छोड़ता है ना पकड़ता है ना, मतलब कहने का मतलब आप समझे इस बात को, किसी बात को उल्टी तरफ ना लेके जाए, सही तरफ लेके जाए, मतलब कहने का मतलब उसने आपको
दुखी कर रखा है एक तरह से, आपके दिल को दुखी भी नहीं कर रहा, तो चलो आप खुद ही दुखी हुई जा रहे हैं। किसी को कोई दुखी नहीं कर सकता, किसी को कोई सुखी नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये हाई प्रिस्टस का कार्ड बार बार एक फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा वो ना ऑर्डर आना हो, तो मैं इससे बार बार वो हो रही हूँ, सॉरी। तो हाई प्रिस्टस का कार्ड यहाँ पे आके ये बताता है कि आप लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, आपके अंदर इतनी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, इसीलिए भगवान आपको रिपीटेड नंबर ला ला के आपकी अवेकनिंग करा रहा है। अगर आपको प्यार में धोखा मिल रहा है, अगर आपको ज़िंदगी में किसी तरह की भी नाकामी मिल रही है, तो शायद वो इसलिए मिल रही है कि आप खुद को जाने, आप अपने अंदर की जो एफिशिएंसीज हैं, अपने अंदर की जो गुण है जो भगवान उस परमात्मा उस ईश्वर उस अल्लाह ने दिए हैं, उनको और निखारें, उन पर ध्यान दें, ना कि किसी फिजूल बातों पर या फिर ऐसी बेकार की सोचों में, ठीक है जी। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्यों आया एट ऑफ पेंटिकल्स भगवान जी? देखो कुछ लोग, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कुछ लोग पैसे से चिंतित हैं, मतलब उनका काम वगैरह अच्छा नहीं चल रहा, या उनको लग रहा है कि मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ, जिस चीज़ में, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो एक करियर है, तो वहाँ पे मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन डिवाइन मुझे जस्टिस नहीं कर रही। स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स आया, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो जवाब दे रही है, ठीक है। तो भगवान आपको कह रहा है कि आप अपना धैर्य बनाए रखें, ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं। देखो लवर्स का भी कार्ड आ गया, तो आप लोग डिवाइन कनेक्शन में डेफिनेटली, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपने इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखा है, आपने इस कनेक्शन से बैलेंस सीखा है कि कैसे खुद को बैलेंस करना है। अब वही बात है कि कुछ लोग सीख पाए हैं, कुछ लोगों की अवेकनिंग हो गई है, कुछ अभी भी वो दो तलवारों के बीच में अटके पड़े हैं, दो चीज़ों के बीच में अटके पड़े हैं, ठीक है। तो हो सकता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं भैया, उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत थॉट्स हैं, बहुत मसले हैं, और भी रिश्ते हैं, और भी है जिससे उनको भी देखना है उसने, तो आप इस चीज़ को बॉदर करें, ठीक है जी। वो बंदे ने या इस कनेक्शन को, बंदा या बंदी जो भी है आपका पार्टनर, पूरा सरेंडर कर दिया डिवाइन पे कि अब आप ही कोई चमत्कार करेंगे, क्योंकि ये इतना इंटेंस कनेक्शन है, वो भी आपके लिए पागल है, आप उसके लिए पागल हैं, लेकिन स्थिति जो है बिल्कुल, पागल कहने का मतलब क्या है, प्यार में है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ना तो वो आपके साथ एक क्लैरिटी ला सकता है, चीज़ों को मिस्टीरियस कर लेता है, आपसे बोलता ही नहीं है, बोलती ही नहीं है, छुपा लेती हैं चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि उनको खुद ही नहीं कुछ, उनका ही थॉट, उनका ही सोच जो है काम करना बंद कर देती है। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोग यहाँ फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी हो रही है उनको, के काम कोई शुरू किया है तो वहाँ पे थोड़ा मन वो हो रहा है कि पता नहीं कैसा भाई, और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स जो कि हम लव लाइफ को ही देख रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी है, हो सकता है ये इनसिक्योरिटी आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ, दोनों को ही है, मिरर कर रहे हैं आप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इसीलिए डिवाइन जो है आपकी अवेकनिंग करा रही है। अगर आपकी नहीं हुई तो आपकी करा रही है, आपके पार्टनर की नहीं हुई तो उनको जो है, उनको उन्होंने जो आपने अगर गलतियां करी हैं तो भी, अगर उसने गलतियां करी हैं तो भी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग कराएगी, ठीक है। भगवान जी चाहते हैं कि दोनों अवेयर होकर फिर आपकी जो है एक इस रिश्ते में नई शुरुआत हो। कुछ लोगों के केसेस में कोई नया इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो आपके लिए बहुत प्यार पुल महसूस कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है कि आपके मन में क्या है। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड कुछ ये बताता है कि इस इंसान को जो भी, अगर ये आपका पास्ट का पर्सन है तो ये है आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तरक्की करता हुआ देख रहा है, और भी इसको आपकी तरफ प्यार फील हो रहा है, इसको लग रहा है कि मैंने वक्त रहते इस रिश्ते को क्यों नहीं संभाला, स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, आपकी यादें, आपके थॉट उस बंदे के दिमाग में चल रहे हैं, देखो कैसे पॉपअप होकर, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ये इंसान, आपके साथ कहीं जाना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, कभी सोचता है ये सही है, कभी सोचती है ये सही है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे
सोलमेट का भी कार्ड आ गया, बिल्कुल 100% आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। और बताएं भगवान जी, आज ज्ञान ज्यादा हो गया। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चीजों को ठीक करने, आप पता क्या है, आप लोग सोचते हैं चीजों को मैं ठीक कर लूंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ये चीजें जब तक उस ऊपर अल्लाह जीसस भगवान पे छोड़ें, वो ठीक करेगा। अब आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीजें ठीक कर लूं, मेरी जिंदगी में जो बिगड़ा हुआ है, चाहे वो मेरी प्यार की लाइफ है, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरा करियर है, मैं उसको ठीक कर लूं। सरेंडर करें, सरेंडर करें और एफर्ट्स करें। वो आप कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जिस चीज के लिए भी आप सोच रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आप मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे भगवान पे। तो इसीलिए वो आपको जो है भगवान ये कह रहा है कि आप भगवान पे छोड़ना सीखें। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, देखिए कुछ टाइम के लिए अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए। इसीलिए ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझे। यू आर अ नाइन ऑफ पार्टिकल एनर्जी, आज की डेट में आपके पास सब कुछ होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। जो आपको इतना अबंडेंट सोच रहा है ये इंसान, जो भी है आपका पार्टनर, आपको गुड लक मानता है, आप उसकी जिंदगी में नहीं है तो उसकी कहते ना रातें दिन काले हैं। देखो वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हो सही टाइम का, और ये पार्टनर भी एक सही टाइम का वेट कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग का। ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें और समझें कि मेरा भी दिल करता है मैं आपके लिए रोज़ रीडिंग लेके आऊं, पर मेरी इंट्यूशन, एक बार मैं एंजल के लिए निकाल लेते कार्ड तो मैं पूछूंगी एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके आर के एंजल शैमल, अनकंडीशनल लव। देखो कार्ड्स का देखा कितना वो है, कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते कि एक अनकंडीशनल, जिससे आप प्यार करें उससे भी अनकंडीशनल प्यार करो। एक आपको डॉगी दिखता है, एक आपको परिंदा दिखता है, आप उसको देख के खुश होते हो, प्यार हो जाता है उससे, आप उसको फीड करो, उसको बाजरा डालो, उसको दाना डालो, लेकिन ये मत सोचो कि मेरी धरोहर है, मैं इसको बांध के या पिंजरे में बांध के रख लूं। नहीं, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल करो प्यार। हर्ट हीलिंग उसके लिए क्या है, अगर आप अनकंडीशनल चीजों से प्यार कब कर पाएंगे, जब आप अपने दिल की हीलिंग करेंगे कि मैं, मेरी खुशी का कारण मैं हूं और मैं अपने आप में बहुत खुश हूं। उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ी वॉक करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, बनाएं, सवारें, नहाएं, खुश हों, ठीक है, जहां जाना है वहां जाएं, खुश रहें, अपनी अपनी सेल्फ को खुश रखें। और अपने आप को ये मत सोचें कि भी मेरे से ये क्या हो गया, मेरे, एनालाइज मत कीजिए, एनालाइज करेंगे तो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत ज्यादा एनालाइज मत करें चीजों को, यानी तू जग उत्ते पिछों आवे वो पहला लिख जाता है, वो पहले उसने लिखा हुआ है सब कुछ, तो बिलीव करें उस पर। कहते ना हम, मैं उस, अब सारे कहते हैं मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं भोले शंकर को मानता हूँ, मैं हरे कृष्णा को मानता हूँ, कोई कहता मैं जीसस को मानता हूँ। अरे मानते हो तो उनकी मानो तो सही, उन्होंने कहा जब मैं हूँ तो तू चिंता क्यों करता है, मैंने तो सब कुछ प्लान कर रखा है, तू क्यों इतनी टेंशन एंजाइटी। और एक चीज़ इससे अलग, अगर आपको कोई बंदा या बंदी या घर का कोई बंदा, सास ससुर, कोई कोई भी बंदा अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है किसी भी वे में, चाहे बातें सुना रहा है चाहे, तो उसके लिए प्रेयर करें, क्योंकि किसी ना किसी टाइम आपने उसको दुख दिया है, आज वो आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रेयर करें कि भगवान प्लीज़, जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई इसका गलत हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये मुझे दुख देना बंद करें। आप डेली प्रेयर करें, आप देखेंगे कितनी ताकत है। प्रेयर कर कह लो, दुआ कह लो, भगवान की आरती कह लो, मतलब कहने का मतलब उस भगवान को बार बार उस चीज़ के लिए प्रेयर करें। अगर आप किसी के लिए बहुत नफरत अपने मन में क्रिएट करें तो भी भगवान को प्रेयर करें कि मेरे अंदर का कचरा जो है इसको साफ कर दो भगवान जी, मुझे नहीं किसी के बारे में गलत सोचना, मुझे नहीं किसी, मैंने अपने अपने दिल दिमाग को ना वो नहीं बनाना, डस्टबिन नहीं बनाना, ये आपका दिल है, यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें रखें, अच्छे अच्छे लोगों को रखें, अच्छी अच्छी सोच को रखें, ताकि आप कहीं भी बैठे हो आप दूर से अट्रैक्टिव लगें लोगों को। कहते हैं सच्चे दिल पे साहेब राज जी, आप अगर अच्छे हैं तो आप वही चीज़ वैक्यूम है आपके अंदर,
और उसकी रोशनी दूर दूर तक जा रही है, चाहे कोई आपसे बोल भी नहीं रहा लेकिन आपकी तरफ इंटरेक्शन हो रहा है उसका, क्योंकि आप इतने साफ हैं, इतने छोटा सा बच्चा है ना, काला भी होएगा ना, मिट्टी में सना भी होगा तो भी प्यारा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी मासूमियत है, वो पूरी तरह सरेंडर है डिवाइन को, हम नहीं कर पाते, इसीलिए हमें मेकअप लगाने की ज़रूरत पड़ती है सुंदर दिखने के लिए। तो अपने आप को समझें, यही है, इसीलिए यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, टेक केयर, बाय।